शिवपुरी में खुले में शराब पीने वालों की पुलिस ने निकाली बारात। पूर्व में अल्टीमेटम देकर छोड़ा था। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र में पुलिस ने खुले में शराब पार्टी कर रहे शराबियों पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से शराब पी रहे लोगों को पकड़ा है। इसके बाद सभी को पकड़ कर देहात थाने लाया गया है, जहां सभी पर वैधानिक कार्रवाई की। गौरतलब है कि इससे पहले देहात थाना पुलिस अभियान चलाकर शराब की दुकान सहित खुले में शराब पीने वालों को मौके से पकड़कर आगे से सार्वजनिक रूप से खुले में शराब न पीने की समझाइश दे चुकी है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर शाम देहात थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सुभाष पार्क, झांसी तिराहा और गुना बाईपास पर शराब की दुकान के बाहर सहित होटल खुले जाम छलका रहे करीब 2 दर्जन से लोगों को पकड़ा। बाद में सभी को पैदल ही देहात थाना लेकर पहुंची। नशेड़ियों की इस बारात को देखकर खुले में शराब पीने वाले नशेड़ियों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई का कहना है कि यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई थी। साथ ही कई स्थानों से खुले में शराब पीकर गाली गलौज करने की भी शिकायतें मिली थी। इसके चलते आज यह कार्रवाई की गई है। सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत कुछ कार्रवाई हो गई है, कुछ कार्रवाई थी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि जो भी खुले में शराब पी रहे हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पर जो भी शराब पी रहे हैं, उनके खिलाफ आज कार्रवाई करना है। उसी तारतम्य में आज कार्रवाई की गई। हमने सुभाष पार्क के पास से झांसी तिराहा से और उन्होंने आगे मेरे पास से जिन लोगों को अपने जो खुले में शराब पी रहे हैं, राउंड अप किया है। सर, आप ऐसा देखा गया, आप गाड़ी से नहीं गए, आप तो पैदल ब्लैक मार्च निकाला गया था। जी जी सर, बिल्कुल, ये पैदल ही भ्रमण था और पैदल ही घूमकर ये सारी कार्रवाई कर दी और जो निर्देश प्राप्त हुए तो उसी ठीक है तहत ये कार्रवाई की। सर, कब तक ये कार्रवाई चलेगी? ये कार्रवाई लगातार चलती रही, आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी।